रीवा संजय गांधी अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए खास खबर है। अगर आपको भी इलाज के लिए अस्पताल जाना है तो यह सोचने की जरूरत नहीं है कि शासकीय छुट्टी चल रही है तो अस्पताल में आने के बाद बेहतर सुविधा नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने जानकारी दी है कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग डॉक्टर, मेडिकल एवं रेडियोलॉजी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम लगी हुई है। साथ ही साथ एक यूनिट में अलग टीम लगी हुई है जो अगर कोई मरीज आता है तो उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आइए सुनते हैं अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा को उनका क्या कुछ कहना है। बहुत अच्छा आपका सवाल है और मैं आपके चैनल के माध्यम से रीवा के सभी नगरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हर साल की तरह इस साल भी हमारी पूरी इमरजेंसी के लिए व्यवस्था है। रूटीन में ओपीडीज भी चलेंगी 2-3 घंटे के लिए और हमारी इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह से चलेंगी। पर्याप्त व्यवस्था है और इमरजेंसी पूरा स्टाफ हमारे पास मौजूद है और हमारे जूनियर डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, नर्सिंग स्टाफ साथ में है और पूरी दवाइयाँ, पूरे उपकरण और ख़ासकर जो पटाखे से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाएं हैं, जैसे जलना है या कोई ऐसे पटाखों के कारण किसी को आँख में कुछ कचरा चला गया या आँख में कोई दिक्कत आ गई या किसी और शरीर के अन्य भाग में, उससे पूरी व्यवस्था है हमारी और हम बिल्कुल तैयार हैं कि अगर ऐसी कोई घटनाएँ अगर होती हैं तो हम उनका बिल्कुल अच्छे से उनका समाधान करेंगे। बर्न यूनिट में हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारे पास 2 कंसल्टेंट हैं जो बर्न के स्पेशलिस्ट सर्जन हैं और उनका उनके ट्रीटमेंट में उनको महारत है, डॉक्टर सौरभ सक्सेना, डॉक्टर अजय पाठक। इसके अलावा 2 अलग से मेडिकल ऑफिसर हमारे पास हैं, मैडम शर्मा हैं और साथ में एक और मेडिकल ऑफिसर उनके साथ हैं। नर्सिंग स्टाफ है हमारे पास, उसकी बर्न की स्पेशलाइज ओटी है और पूरे स्टाफ हैं और हम बिल्कुल आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्न के मरीजों को नहीं झेलनी पड़ेगी और हम समुचित उपचार उनका प्रोटोकॉल के अनुसार करेंगे। एक्स-रे और सोनोग्राफी बराबर इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। हमारे पास पहली बार पीजीज आ गए हैं, रेडियोलॉजी में हमारे पास 6 PG आए हैं और वो कुछ छुट्टी में गए हैं लेकिन पूरी जो छुट्टी पे नहीं गए वो अपनी सेवाएं देंगे और वो फिर आगे छुट्टी पे जाएंगे, ऐसी व्यवस्था हमने की है। और रेडियोग्राफर हमारे जो छुट्टी पे गए हैं और कुछ छुट्टी पे नहीं गए हैं वो भी हमारे साथ हैं और हमारी मशीनें पूरी तरह से सभी मशीनें चालू हैं और स्वाभाविक है कि इन दिनों में छुट्टी के दिनों में कम पेशेंट आते हैं तो उसके अनुसार हमारी पूरी व्यवस्था है।